हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब का भंडार में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्वी कमान सिग्नल रेजिमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जो कि इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। इसके अंदर आपको मैसेंजर, वाशरमैन, कुक, स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं आगे आपको इसकी विज्ञप्ति और पूरी डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। और ये है जॉब परमानेंट रहने वाली है, अग्निवीर भर्ती स्कीम के अंदर यह वैकेंसी नहीं आती। तो दोस्तों, चलो मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, इसकी बात करूँ तो पूर्वी कमान सिग्नल रेजिमेंट, जो कि इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है, इसके अंदर सिविलियन की वैकेंसी आती हैं, जो कि हर रेजिमेंट के अंदर सिविलियन वैकेंसी आती रहती हैं, जिसके अंदर अभी फ़िलहाल सिग्नल रेजिमेंट के अंदर मैसेंजर, वाशरमैन, कुक और स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अंदर आपको 18 से 25 उम्र, आपकी एज लिमिट 18 से 25 रहने वाली है, और आपका वेतन जो कि 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाला है। मैसेंजर की वैकेंसी पे लेवल 1 की है, और वाशरमैन की वैकेंसी भी पे लेवल 1 की है, कुक की पे लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है, और स्विच बोर्ड ऑपरेटर की पे लेवल 3 की वैकेंसी रहने वाली है, जो कि 21,700 से लेकर 69,000 तक रहने वाली है। अब बात करूं इनकी योग्यता की, तो दोस्तों मैसेंजर की 10वीं पास है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। वाशरमैन की 10वीं पास तथा वाशरमैन के कार्य का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। कुक की दोस्तों बात करूं तो आपको कुकिंग का ज्ञान होना आवश्यक है, और स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए 10वीं पास, PBX बोर्ड संचालन का अनुभव आपको होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपकी एज लिमिट 20 जून 2023 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग जो भी SC ST OBC है, उनको आपको एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको यह फॉर्म इस पते के ऊपर भेजना रहेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपको फॉर्म कैसे भेजना है और कैसे भरना है, इसकी सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये इसका एड्रेस रहने वाला है, और इसकी आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ये आप पहले से तैयार करके रखें, जैसे कि आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपके आधार कार्ड की प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको लगाना रहेगा। इसके अलावा दो सेल्फ एड्रेस वाले इनवलप आपको लगाने हैं, जो छोटे लिफाफे होते हैं जिसपे आपका खुद का एड्रेस रहेगा, और वहीं उसी के अंदर आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। इसके अलावा आपके पास 2 एक्स्ट्रा फोटो होना आवश्यक है, और उनके पीछे आपको स्वयं के हस्ताक्षर कर देने हैं। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, जो मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फोटोग्राफ 2 रंगीन हो गए। इसके अलावा जो EWS कैटेगरी से है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको भी उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं बताऊँगा इसका फॉर्म कैसे भरना है और इसकी क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये 20 मई से 26 मई के न्यूज़पेपर के अंदर जारी होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर आपको और डिटेल की बात करूं तो आपको ये सब जानकारी, और लास्ट डेट की बात करूं तो 19 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है ये। और दोस्तों आपको करना क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखने हैं। टोटल वैकेंसी 25 रहने वाले, ऑफलाइन फॉरम है, और इसके लिए आपको कोई भी शुल्क पे नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्म कैसे भरना है और किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। फिलहाल इसके अंदर इतनी ही जानकारी है। ठीक है दोस्तों, टोटल वैकेंसी 21 तो सिविलियन की है, 2 वैकेंसी कुक की रहने वाली है, 1 वैकेंसी वाशरमैन की है, 1 वैकेंसी मैसेंजर की है। लेकिन कैटेगरी की जो वैकेंसी, किसकी कितनी कैटेगरी की वैकेंसी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।